अभी मैंने देखा आपने वो बोट रेस देखी होगी केरल में, उस समय जब मैं बोट में बैठा था पूरी टीम के साथ मैं रोइंग कर रहा था, मेरे पैर में भयंकर दर्द था। मैं उस फोटो में मुस्कुरा रहा हूं मगर मेरे दिल के अंदर रोना आ रहा था, इतना दर्द था। मैंने यात्रा शुरू की, काफी फिट आदमी हूं, 10-12 किलोमीटर ऐसे ही दौड़ लेता हूं। घमंड था, मैंने सोचा था 10-12 किलोमीटर चल लेता हूं तो 20-25 किलोमीटर चलने में क्या बड़ी बात, मेरी माइंड में यह था। पुरानी इंजरी थी, कॉलेज में चोट लगी थी फुटबॉल खेलते हुए, मुझे याद है। मैं दौड़ रहा था, मेरे दोस्त ने पीछे से अड़ंगी मार दी और घुटने में चोट लगी। दर्द गायब हो गया था, सालों के लिए दर्द गायब था और अचानक जैसे ही मैंने यात्रा शुरू की दर्द वापस आ गया। आप मेरे परिवार हो तो मैं कह सकता हूं आपसे, सुबह उठता था सोचता था कैसे चला जाए, और फिर उसके बाद सोचता था कि भाई 25 किलोमीटर नहीं 3500 चलने, केरला की बात है, 3500 किलोमीटर चलने हैं, कैसे चलूंगा। और फिर कंटेनर से उतरता था, चलना शुरू करता था, लोगों से मिलता, तो पहले 10-15 दिन में जिसको आप अहंकार कह सकते हो, घमंड कह सकते हो, वो सारा गायब हो गया। क्यों गायब हुआ? क्योंकि भारत माता ने मुझे मैसेज दिया, देखो तुम अगर निकले हो, अगर कन्याकुमारी से कश्मीर चलने निकले हो तो अपने दिल से अहंकार मिटाओ, घमंड मिटाओ, नहीं तो मत चलो।